मैं ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो आप खाएंगे, आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगी और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है। ये मैंने अपने घर पे बनाई थी भाई दूज पे और ये बहुत ही अच्छी बन के रेडी हुए हैं। मेरे बेटे को तो बहुत पसंद है, आप लोग भी बनाइए, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है। आज मैं बता रही हूँ आपको शक्कर भारे की रेसिपी जो मैंने बिस्किट के शेप में बनाई है और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुए हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आपका स्वागत है श्वेता की देसी किचन में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने चीनी को पीस लिया है और ये 2 कटोरी चीनी है। आप कोई भी कप ले लें या 1 कटोरी ले लें, उसी के नाप से सारी चीज़ें डालेंगे तो बहुत ही अच्छे बन के रेडी होंगे। सबसे पहले मैंने चीनी को पीस लिया था और ये जो मैं कटोरी ली हूँ इसी साइज़ की कटोरी से मैं सारी चीज़ें डालूँगी। तो मैंने इसको 2 कटोरी चीनी डाल दी है। आप जितने बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लीजिए। मैं 1 किलो मैदा की बना रही हूँ इसलिए मैंने 2 कटोरी ली है और इसी का मैंने 1 कटोरी इसमें घी डाल दिया है। आप घी या रिफाइंड जो भी यूज़ कर रहे हैं वो डाल दीजिए और उसी के नाप की मैंने उसमें दूध डाल दिया है। इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है, एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेना है एकदम स्मूथ सा। और आप ये मिक्सी में मत कीजिएगा, हाथ से ही कीजिएगा, हाथ से बहुत अच्छा बन के रेडी होता है। और इसमें तेल, पानी, तेल, दूध और जो चीनी है वो एकदम मिक्स कर लीजिएगा, इसमें अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ी देर आपको फिर हाथ से अच्छे से मिलाना होगा। उसके बाद मैंने इसमें अभी 2 कटोरी मैदा छानी है। एक साथ हम नहीं डालेंगे सारी मैदा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। तो पहले मैंने 2 कटोरी इसमें डाल दी है और 2 कटोरी डालने के बाद हम इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। आप चाहें तो इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। या फिर आप गरी जो नारियल का बुरादा होता है वो भी डाल सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा टेस्ट देता है बिस्किट में और स्वाद भी अच्छा आ जाता है। कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह जो अभी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। मैंने इसमें सादा बनाया है क्योंकि मेरा बेटा नहीं खाता है ड्राई फ्रूट। इसके बाद मैं एक अच्छा सा मैंने इसका स्मूथ डो लगा लिया था। देखिए आप बिल्कुल ना ज़्यादा गीला होना चाहिए ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, एक मीडियम साइज़ का हमें एक डो बना के तैयार करना था। और उसके बाद उसको मैंने 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। 15 मिनट के बाद ये हमारा अच्छे से बैटर तैयार हो गया है। अब इसकी हम क्या करेंगे, छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेंगे जिस शेप के आपको बिस्किट चाहिए और जितने मोटे साइज के चाहिए उस हिसाब से बनाइएगा। स्टार्टिंग में मैंने बनाए थे 4-5 तो वो थोड़े ज़्यादा मोटे हो गए थे, इसलिए फिर मैंने उसके लोई को थोड़ा छोटा कर दिया था। और फिर मैंने थोड़े से पतले शेप के बनाए थे क्योंकि पतले में ही थोड़े करारे रहते हैं। पहले तो मैंने इसकी सारी गोलियाँ बना के रेडी कर ली हैं। अब गोलियों को मैं क्या करूँगी, छोटा छोटा इसको बेल लूँगी। आप कोई भी ढक्कन या फिर आपका कुकीज कटर जो होता है वो हो तो उसकी शेप से आप इसको एक अच्छा सा शेप दे दीजिए। मैंने एक स्टील की जो हमारी डिब्बी है उसका मैंने ढक्कन लिया है जो बहुत ही सही शेप आ रहा है इससे बिस्किट का, तो मैंने वही शेप ले लिया है और इससे ही मैं सारी चीज़ें जो बिस्किट हैं वो मैं काट लूँगी इसको। आप चाहें तो इसको मटरी की तरह भी बना सकते हैं, वो भी अच्छे बन जाते हैं, लेकिन शेप को थोड़ा सा अलग देने के लिए हम बिस्किट के शेप से बनाएंगे और ये बहुत जल्दी बन जाएंगे। देखिए मैंने एक साथ सारा बेल लिया था और अब इसको मैं धीरे धीरे काट ले रही हूँ। इसे अच्छे से आपको काटना है, एकदम अच्छा सा शेप आ जाएगा, बहुत पतला बन के रेडी होगा और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मेवे के हमने बनाए हैं, सॉरी खोए के बनाए हैं, खोए का जैसा ही टेस्ट इसमें आता है। अब इसकी जो किनारी है इसको हम दोबारा से इसी तरह से बेल लेंगे और जब आप ये बार बार कटेंगे ना तो आटा बहुत ज़्यादा टाइट होता जाएगा, तो आप उसको बहुत अच्छे से मटरी वगैरह काट सकते हैं। और इसमें हमें कोई भी सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से ही बन के तैयार हो जाएंगे। ये बहुत अच्छे बन के तैयार हो गए हैं। अब इसी की तरह हम एक दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। हम एक लोई को पूरा बेल लेंगे जैसे बड़ी सी हम रोटी बनाते हैं उस तरीके से बेल के, फिर हम एक साथ भी काट सकते हैं जिससे कि आप जल्दी उससे भी जल्दी बन जाते हैं। एक एक बेलने की जब बजाय हम एक साथ पूरा बड़ा सा लोया लेके उसको बेल लेंगे तो उससे भी एक बड़ा अच्छा सा शेप बन के तैयार हो जाएगा और जल्दी भी बन जाएंगे। जैसे एक साथ हम कम से कम 6 से 9 या 8 से 9 एक साथ बिस्किट काट सकते हैं।
अब इसको हमने बड़ी सी लोई को काट लिया था, इसमें जो निकलेगा बिस्किट वो हमारे लमसम 8 से 9 निकल के आ जाएंगे और ये एक ही बार में तैयार हो गया। इसी तरीके से भी आप बना सकते हैं, सिंगल पीस भी बेल के बना सकते हैं, कैसे भी आप बना लीजिए, दोनों तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो घी था वो गर्म हो गया तेल, अब इसमें हम एक एक बिस्किट डाल देंगे और गैस और को हमें ना ज़्यादा हाई रखेंगे ना एकदम स्लो रखेंगे, मीडियम गैस ही रखेंगे क्योंकि हमें इसमें ना अंदर तक सेकना है और अच्छे से सिक जाना चाहिए, करारे हो जाना चाहिए, कुरकुरे ही बिस्किट अच्छे लगते हैं ये वाले। आप चाहें कि मैदा की जगह आप आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, आटे के भी बहुत अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं, या फिर आधा आटा आधा सूजी भी आप यूज़ कर सकते हैं तो उससे भी बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। और इसको आप अच्छा सा गोल्डन कलर होने तक सेक लीजिएगा, आप जैसे जितना अच्छा कलर चाहते हैं उस हिसाब से सेकिएगा, बहुत अच्छा कलर आता है। और ये निकालने के बाद भी अपना कलर चेंज करते हैं क्योंकि गर्म होते हैं ना तो सेप ले लेते हैं, कलर बहुत अच्छा डार्क हो जाता है। इसी तरीके से मैंने सारे सेक लिए थे और देखिए इस तरीके से ये बिस्किट बन के तैयार हुए, बहुत ही खस्ता बन के तैयार हुए थे, बहुत टेस्टी लग रहे थे। ये चाय के साथ भी आप ले सकते हैं, वैसे भी आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। मैंने तो लमसम 1 किलो के बना के रख दिए नाश्ते के लिए, कोई भी आता है तो उनके लिए ये बन के तैयार है। लेकिन मैं कितने सारे बिस्किट बना के तैयार किए, ऐसे ही आप मेरे चैनल पर और न्यू रेसिपी देखेंगे, ऐसे और न्यू वीडियो में लेके आएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए।